Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और इंशाल्लाह ये जो जगह हो रहा है इंशाल्लाह हम करते रहे सरकार इस कानून को वापसी नहीं लेगी और इंशाल्लाह हम हमारी जान चली जाओगे एक बार नहीं सौ मरतबा हमें जान मिले सौ मरतबा इसमें हमारी जान चली जाओ तो जब भी इस कानून से सरकार वापसी नहीं लेगी तो हम इससे हटने के नहीं इंशाल्लाह हम नहीं हटने के हम अगर मर भी जाएंगे हमारी निस्ल भी इससे नहीं हटने की इंशाल्लाह ये जब तक सरकार इस कानून को वापसी नहीं लेगी तब तक हम इसी तरह एहतियात करते रहेंगे और हर हालत में और हर तरह से इंशाल्लाह तैयार रहेंगे अल्लाह के इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल कबीर है और मैं जयपुर से हूँ आई एम फ्रॉम जयपुर और मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ आई एम ए स्टूडेंट इन अरबिक। ओके तो आप यहाँ पे क्या पढ़ाई करते हैं? मैं यहाँ अरबिक पढ़ता हूँ। अरबिक मतलब मौलवियत पढ़ते हैं? जी मौलवियत और क्या कर इफ्ता भी कर रहा हूँ। मैं मौलवियत से फारिग हो गया हूँ और यहाँ इफ्ता कर रहा हूँ। अच्छा इफ्ता कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हुए थे गंगो में ईदगाह में प्रोटेस्ट हो रहा है आज तो आप किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे जो है संविधान के खिलाफ जो है एक हमारे संविधान के ऊपर आँच आई है और एक काला कानून कायम किया गया है कौन से नरेंद्र मोदी ने वो CA NRC NPR है तो आप इसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी हाँ हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे। अगर हमें हमारी सात पुश्तों तक भी अगर इस CA के खिलाफ लड़ना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं इंशाल्लाह। तो आप इस बिल की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? इस बिल की मुखालिफत यूँ कर रहे हैं क्योंकि तमाम मजाहिब को जो है इसके इस बिल के जो है तमाम मजाहिब जितने भी हैं सिर्फ मुसलमान को छोड़ करके सबको शरीयत दी जा रही है और मुसलमान जो है उनको इससे बाहर किया जा रहा है और उनको डिटेंशन सेंटर में डालने की ये साजिश चल रही है। जिस तरीके से हिटलर ने चाल चली थी ऐसे ही यहाँ पर ये मोदी और अमित शाह ये चाल चल रहे हैं। अमित शाह तो ये कह रहे हैं CAA जो कानून है वो नागरिकता देने के लिए जो लोग बाहर से आएंगे उनके। और फिर NRC क्या है मैं आपसे सवाल करता हूँ NRC क्या है? CAA तो देने के लिए है लेकिन जब NRC साहब इसको जोड़ोगे तो फिर ये एक बहुत बड़ा नासूर का काम करेगा। किस तरीके से काम वो इस तरीके से जी इस तरीके से क्योंकि NRC जो है वो इस तरीके से होगा कि तमाम मजाहिब जो है उनको तो शरीयत दी जाएगी सिवाय मुस्लिम को नहीं दी जाएगी क्योंकि अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि मुसलमान को छोड़ करके मैं तमाम सिख ईसाई और जितने भी हिंदू हैं उन सबको CAA के जरिए से हम शहरियत देंगे लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे। मुसलमानों से क्या दुश्मनी है? मुसलमानों ने आपसे क्या मांगा है ऐसा? अभी तक ना तो आपने मुसलमानों की कोई सहायता की है सब्सिडी भी मुसलमानों ने छोड़ दी। नहीं आप फिलहाल हम CAA की बात करते हैं। जी आप कह रहे थे कि ये CAA जो कानून है संविधान के खिलाफ है आप मुझे समझाएंगे कि आर्टिकल 14 जो है संविधान के अंदर आर्टिकल 14 जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मजहब के बुनियाद पर कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता तो ये इस संविधान के खिलाफ है। और संविधान के बारे में मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि संविधान जो है 2 साल 17 महीने और 2 साल 11 महीने और 17 दिन के अंदर लिखा गया जिसकी लागत लिखने के अंदर 6,40,00,000 रुपये आई है। कब लिखा गया था ये? सन 1947 के अंदर लिखा गया था और सन 1949 के अंदर ये तैयार हो चुका था और सन 1950 के अंदर 26 जनवरी को ये लागू किया गया। अच्छा तो आप और कुछ जैसे शाहीन बाग के बारे में जी हाँ शाहीन बाग जो है ये मैं दाद देना चाहता हूँ मेरी उन माओ बहनों को जिन्होंने इस लड़ाई के लिए सबसे पहले इकदाम किया और कदम उठाया और उन्होंने इस पूरी हिंदुस्तान के अंदर और ये मैसेज दिया है
कि देखो अगर जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर हम इसको शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो इसके जरिए से भी सरकार को बहुत तकलीफ हो रही है। और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस ठंड के अंदर और इस और ये जो बारिश जो हो रही थी उस ठंड के अंदर उसके अंदर वो बैठ करके और उन्होंने अपनी तन मन धन की बाजी लगा दी और अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी। और एक माँ ने तो अपनी बेटी की जान एक साल की जो है वो शहीद हो गई, उसके बावजूद वो उसके हौसले बुलंद रहे, उसके हौसले टूटे नहीं और वो वहाँ जा करके बैठती रही। ठीक है, तो आपने प्रोटेस्ट किया तो आपके कुछ डिमांड भी होंगे, आपकी क्या डिमांड है? जी डिमांड हमारी यही है कि NRC NPRCA इसको बिल्कुल जो है रद्द किया जाए, हम इसको किसी भी कीमत में नहीं मानेंगे। और अगर NRC लागू ही करनी है तो जैसे हमारे बड़ों ने कहा है कि DNA के आधार पर NRC लागू हो। NRC DNA के आधार पर, उसका क्या मतलब है? DNA के यानी जो DNA है उसके जरिए से चेकअप किया जाए और उसको मैच करके दी जाए। जैसे मतलब मैं समझ नहीं पा, जैसे कि एक परिवार होता है, जैसे कि एक बाप की चार औलादे होती है, अगर DNA के जरिए से होगी तो सीधा सीधा सबूत मिल जाएगा कि हाँ भाई ये इस मुल्क का बाशिंदा है या नहीं, ये इस यहीं का है या घुसपैठिया है, इससे साफ साबित हो जाएगा। तो आपकी डिमांड क्या है, मतलब कब तक आप ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि हम ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये जो बिल जो सरकार लेकर के आई है अगर ये रद्द नहीं करती, चाहे हमारे को 7 नस्लों तक भी 7 पुश्तों तक भी अगर हमारे को इसके खिलाफ लड़ना पड़ा तो हम अपनी नस्लों को भी इस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये बिल वापस होना चाहिए। जी होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो मैं ये कह देना चाहता हूँ सरकार को और ये हुकूमत को कह देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये लागू किया तो हमारी लाशों पे से इस NRC को गुजरना पड़ेगा, हम कबूल नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, चिराग अमन की लो पर शबाब आएगा, सितमगरों पर यकीनन अजाब आएगा, चिराग अमन की लो पर शबाब आएगा, सितमगरों पर यकीनन अजाब आएगा, कदम न पीछे हटाना ए वतन की शाहीनों, तुम्हारे दम से नया इनकलाब आएगा। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे, जीने जो दिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। तो आप यहाँ पे किस लिए जमा हुए? यहाँ पे इसलिए जमा हुए कि आपको मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत में कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे कानून लाने की कोशिश की है जो इंसानियत के खिलाफ है, जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ है। हम उस मुल्क के खिलाफ यहाँ अपने जमीयत उलमा हिंद के आवास पर इकट्ठे हुए हैं और हमारा अज़्म है, पुख्ता इरादा है कि जब तक ये काला कानून हिंदुस्तान में, इसमें जिस तरह हमारे फायदे मिलत हजरत मौलाना वापस हो या ना, लेकिन इनको वापस होना पड़ेगा, जब तक ये वापस ना हो, ये कानून वापस ना हो, हम इंशाल्लाह जब तक किसी का जब भी जहाँ भी जिस जगह भी हमें जाना है इंशाल्लाह वहाँ पर लिख कर कहते हुए जरूर जमाना शरीक होते रहेंगे। और आपको बता दें कि ये आप जानते हैं हजरत मौलाना जो बहुत बड़े फकीर जो मुजाहिदे आजादी है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है, ये वो सरजमीन है, यहाँ के रहने वाले लोगों के अंदर आज उन्हीं का जज्बा है, मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब का जज्बा है, उन्हीं का जज्बा है और उनके नाम से ये मशहूर है, इसीलिए ये प्रोग्राम भी आरंभ हो गया है। और ये प्रोग्राम नहीं, जहाँ भी जिस जगह भी और जिस गली कोचे में भी जहाँ भी हमें जमीयत आवाज देगी या वो शख्स जो भी इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएगा वो आवाज देगा, हम इंशाल्लाह इसी तरह हिम्मत हौसले के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि जमीयत जब भी आपको बुलाएगी, जहाँ पर भी बुलाएगी, जिस चीज के लिए भी बुलाएगी, आप हाजिर रहेंगे। आप फिलहाल आज गंगो में किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस चीज के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो बिल आया है, मैंने पहले बताया है, इसके खिलाफ, ये इंसानियत के खिलाफ, कौन सा बिल? CAA NRC NPRCA, इन तीनों की मुखालफत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसलिए कि संविधान के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ। कैसे सब जानते हैं, हमारे कायद ने बताया है और आप भी जानते हैं, माशाल्लाह आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये संविधान के मुताबिक होता तो आज हर मजहब के लोग इसके खिलाफ लड़ते। सबसे बड़ी पहचान इसकी है
ये मजहब के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है कि सब इसके मुखालिफ, इसको खत्म करने के लिए सब इकट्ठा। तो ये प्रोटेस्ट आप कब तक करते रहेंगे? आज गंगो में 11 बार देवबंद में हुआ और 15-13 तारीख को 2000 शहरों में हुआ जमीयत की तरफ से। जब तक हुकूमत अपने गलत इरादों से बाज नहीं आती, इंशाल्लाह हम इसे कोशिश करते हैं। और ये कानून, आपकी डिमांड क्या है सरकार से, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम इसके काम कर रहे हैं कि जो एनआरसी है ये तो सरासर सबके लिए खतरनाक है जी। उन्होंने कानून लागू किया है CAA कि हम बाहर से आने वाले मुसलमानों के अलावा जितने लोग हैं सबको नागरिकता देंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उनका एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं देंगे? अगर दें तो सब बोले, सब संविधान ही कहता है कि सबको देखें। आपका मेहमान हमारा इस्लाम मजहब कहता है, आपका मेहमान हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आप सबका इस्तकबाल करो। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को अपने बिस्तर पर लिटाया और बिस्तर पर लिटाने के बाद यहूदी ने हमारा इस्तिंजा किया, हमने इसको साफ किया। मुसलमान को ये पैगाम देता है, इस्लाम ये पैगाम देता है, उस कौम को कैसे छोड़ सकते हैं? वो कौम जो दूसरों को गले लगाती है, आप उसको दूर कर रहे हैं। नफरत की बात है, ये सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने के लिए कानून बनाया गया है। आपको भी ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो खत्म हो गया, तो एक नया मुद्दा उठा रहे हैं? आपने सही कहा, सिर्फ यही मुद्दा है और इसको मुद्दा ही बना कर रखा है। आप कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। आपको मालूम है कि हटना शुरू हो गया, उन्होंने संसद में अपनी जुबान से लिखे दिया कि जो लोग ये कहते थे कि एनआरसी पूरे मुल्क में होकर रहेगा, आप जानते हैं किसने कहा? अमित शाह ने कहा था कि आपको बताया कि ईमान वाले जब किसी चीज को ठान लेते हैं तो कभी पीछे नहीं हटते। तो आपने ठान लिया है कि आप इस कानून को वापस करवा कर रहे हैं? आपकी जमीयत इस चीज में क्या कर रही है, क्या अमल कर रही है? प्रोटेस्ट कर रही है और दूसरे तरीके पर जो वो चल रहा है कोर्ट में, जो चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसमें जो वकील है वो भी जमीयत का ही वकील है मेरे ख्याल से, जो इस केस की पैरवी कर रहा है। जमीयत ने हमेशा कोई कुछ भी कहते हैं मुसलमानों की रहनुमाई की है, रहबरी की है इस पूरे मुल्क की, बस मतलब खास तौर से। लेकिन आपको मालूम है कि वो कैदों की रिहाई के लिए और ऐसे जुल्म के खिलाफ और तमाम इंसानियत के लिए काम करती है, आप सब जानते हैं। लेकिन हम उससे थोड़े दूरी इख्तियार किए हुए हैं, उसको एतराज़ करते हैं कि जमीयत कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत हमेशा पूरी इंसानियत के लिए पूरे मुल्क के लिए सब कुछ करती है। एतराज़ करते हैं उनको भी जरा करीब आने की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की बहुत अहम जमीयत है, हम उसके पीछे चलने वाले हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। आप यहाँ पे किस लिए जमा हुए हैं? हम इसलिए जमा CAA और NRC किसी आरक्षण का कभी मुतालबा नहीं किया, महिलाओं पर टोपियों का मुतालबा नहीं किया, बल्कि मुसलमान सिर्फ ये चाहता था कि हमें यहाँ पर मजहबी आजादी मिले, हम अपनी पूरी आजादी के साथ कानून का प्रोटेस्ट आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन इस वक्त हुकूमत ने खिलाफ है और ये उसका उल्लंघन कर रहा है और सरकार सत्ता के नशे में आ गई है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया है, जो नए नए कानून और नए नए बिल पास कर रहे हैं। तो आपकी डिमांड क्या है, आप क्या कहते हैं? हमारी डिमांड ये है कि आस्था के बेस पर हिंदुस्तान का कानून नहीं है, आस्था के बेस पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है। तो मेरे भाइयों, मुस्लिम है और इसमें नागरिकता नहीं दी जा रही है, हमें CAA मंजूर है, हम इसके खिलाफ मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। तो आप प्रोटेस्ट में क्या कहना चाहते हैं कि कानून वापस ले लिया जाए? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कानून को बिल्कुल वापस करो और फौरन वापस। वो तो कह रहे हैं कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच कह रहे हैं, हम 8 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। और हमारी शरीयत पर उंगली उठाने का मौका देगा, क्या कहते हैं, हम हमारे कानून का बहिष्कार करेंगे और हम ऐलान करेंगे इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। और आज से खास करता हूँ कि देर तक और सुकून के साथ जब आप खड़े होने की कोशिश करो,
जो दूर दराज है वो भी करीब आकर के मचना मुझे ताकि हमारे मेहमान इकराम के हिसाब से आई हो। ये जो अल्लाह की रहमत है और मुल्क भर में जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है मेरी सबसे अपील है का पैगाम देते हैं अमन शांति के साथ संविधान के मुताबिक और संविधान के हिसाब से प्रोटेस्ट करें, वो किसी को तकलीफ ना दे, किसी पर बदमाशी ना करे। मेरी यही दरख्वास्त है कि हमेशा अमन शांति का पैगाम देती आज देती रही है, देती रहेगी और देती रहेगी, देती रहेगी और देती आएगी। और इंशाल्लाह अमन शांति के साथ ही चलेगा। कब तक चलता रहेगा प्रोटेस्ट? ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी जमीयत हमको इजाजत देगी। कानून वापस लेने तक चलेगा नहीं चलेगा? तब तक चलेगा जमीयत के तहत ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा तब तक कानून वापस लेगा तब तक। To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.